गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिपल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम सिक्स क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेसन का मैं रिवीजन आज करवाऊंगी आपको, फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर एंड फर्स्ट लेसन का सारांश। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी नज़दीक आने वाले हैं। तो मैंने जो आपको दिए हैं उन्मेश के अंदर सिलेबस बता दूं साथ के साथ आपको, सिलेबस में मैंने उन्मेश में फर्स्ट और सेकंड लेसन आपको दिया है। जब मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी, ग्रामर का रिवीजन करवाऊंगी, तो मैं उसमें समझा दूंगी कि मैंने उसमें कितने लेसन दिए हैं। लेकिन उन्मेश में सिर्फ मैंने आपको 2 ही लेसन दिए हैं, तो ये दोनों लेसन का मैं आपको रिवीज़न करवा रही हूँ। वैसे तो सभी लेसन का रिवीज़न करवाऊँगी, लेकिन जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपके फर्स्ट और सेकेंड 2 लेसन ही आएंगे। क्लियर बेटा, स्टार्ट करें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो लेसन है हमारा, वह है जमी को जादू आता है। बेटा पढ़ा था ना, कितनी प्यारी कविता थी ना। किसकी कविता थी बेटा? ये गुलजार की कविता थी। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर मैं सारांश समझा देती हूँ। ये मेरी बाग की मिट्टी भी कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या, जमी को जादू आता है। अगर अमरूद बीच में तो मैं अमरूद देती है, अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन भी देती है, करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। इसमें क्या बता रहे हैं गुलजार, कि जो मेरी मिट्टी है, जो जब मेरी भारत की मिट्टी है, मेरे बाग की जो मिट्टी है, क्या उसको जादू आता है क्या, कि मैं जिसके बीज डालता हूँ वह उसी का फल हमें दे देती है। अगर मैं अमरूद के बीज डालता हूँ तो हमें अमरूद दे देती है, मैं जामुन की गुठली डालता हूँ तो वह मेरे को जामुन देती है, अगर मैं करेले के बीज डालता हूँ तो करेले देती है, और नींबू डालता हूँ, नींबू के बीज डालता हूँ तो मेरे को नींबू देती है, कि जिसके बीज मैं इसमें डालता हूँ धरती में, उसी के समान मेरे को फल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है, मैं जो रंग दूँ उसे वो रंग देती है, ये सारे रंग क्या उसने कहीं छुपा कर रखे मिट्टी में, बहुत खोदा मगर कुछ भी ना निकला, जमी को जादू आता है। उसमें कवि गुलजार वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यदि मैं इससे कोई फूल मांगता हूँ तो वह मेरे को गुलाब का फूल या गुलाबी फूल देती है, मैं जो भी रंग इससे प्राप्त करना चाहता हूँ वह प्रत्येक रंग मेरे को वह क्या करती है, देती है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस धरती के अंदर मैं जिसके बीज डालता हूँ, चाहे फल का डालूँ, फूल का डालूँ और किसी का डालूँ, तो उसी के समान मेरे को फल और फूल मिलते हैं। कि अब उसको लगता है, गुलजार बोल रहे हैं कि मेरे को कई बार शक हुआ कि क्या जमीन के अंदर उसने अपनी ज़मीन के अंदर कुछ छुपा के रख रखा है क्या, कि ऐसा तो नहीं कि उसको उसे ज़मीन में कुछ छुपा के रख रखा हो, कोई ऐसा जादू हो, कोई ऐसे ट्रिक हो कि जिसके भी बीज डालो उसका पेड़ उग जाता है। तो उसने क्या किया, उस ज़मीन को खोदा लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। कि सही बात है कि ज़मीन को क्या आता है, जादू आता है। क्लियर। थर्ड पैराग्राफ देखिए। जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है, ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के पेड़ उंगली पर नचाती है, उंगली पर उठाती है, जो गिरने भी नहीं देती, हवाएं खुद हिलाती है, जमी उसे हिलने नहीं देती। उसके बाद में कवि गुलजार वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस धरती के ऊपर ही क्या है, इस जमीन पर ही क्या है, वह भी बहुत बड़े 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 करतब दिखाती है, ताड़ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ है, जो ऐसा लगता है कि उसने अपनी उंगली पर उठाकर रख रखे हो और उनको गिरने भी नहीं देते हैं। कितनी तेज हवाएं चलती है लेकिन जमीन बिल्कुल जरा सी भी नहीं हिलती है, क्या वास्तव में जमीन को क्या आता है, जादू आता है। आगे देखो, मेरे हाथों से शरबत दूध पानी कुछ गिरे तो सब टिक टॉक कर जाती है, ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। कि उसके बाद में बता रहे हैं कि मेरे हाथों से कोई शरबत गिर जाए, कभी दूध गिर जाए, कभी दही गिर जाए, कभी पानी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, वह क्या कर लेती है, इसको पी जाती है, गटक जाती है, यानी कि उसको पी जाती है, कि ये कितना पानी पीती है पता ही नहीं चलता है। अब उसकी उसी से संबंधित आगे वाला पैराग्राफ है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से या नल दिन भर खुला छोड़ दो, गजब है पेट भरता ही नहीं इसका, सुना है नदी को भी छिपा लेती है अंदर, जमी को जादू आता है, यकीनन जमी को जादू आता है। उसमें बाद में गुलजार लास्ट में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको शरबत और
दूध की तो बात ही अलग है। इसको अगर बाल्टी से पानी डालो, लोटे से पानी डालो, या दिन नल को सारे दिन भर खुला छोड़ दो, तो वह उसका पानी भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन इसकी प्यास बुझती ही नहीं है। कि इतना इसका कितना बड़ा पेट है, कि इस पेट के अंदर इसने क्या छुपा रखी है, नदियों को भी छुपा के रख रखा है। कि सही में यकीनन जो धरती है, जो उसको क्या आता है, जादू आता है। क्लियर बेटा? बहुत प्यारी कविता थी, जिसके अंदर कवि की जो देश और जो मातृभूमि है, अर्थात जो हमारी भारत की भूमि है, भारत की जो जमीन है, उससे जुड़ाव का पता चलता है। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। पहला है मुख से, कवि को मिट्टी में क्या नज़र आता है? खजाना नज़र आता है ना, कि मिट्टी के अंदर कोई ना कोई खजाना है, जो कि दबा हुआ है, जो कि उसको प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, उसको खोदता भी है ना, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है, अमरूद का बीज बोने से जमीन पर क्या, जमीन हमें क्या देती है? जैसा बीज वैसा ही फल, तो वह हमें अमरूद देती है। जमीन नदी को कहाँ छुपा लेती है? अपने अंदर छुपा लेती है। नदी को कहाँ छुपा लेती है वो? जमीन नदी को कहाँ छुपाती है? अपने पेट के अंदर छुपा लेती है ना, अपने अंदर छुपा लेती है। रिक्त स्थान देखिए, जमी को फर्स्ट में आएगा, जादू आता है। सेकंड है, जामुन की गुटली डालूँ तो क्या देती है मेरे को? जामुन ही देती है। थर्ड है, मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। और लास्ट है, अगर मैं फूल मांगूँ तो गुलाबी फूल देती है। क्लियर बेटा? अब इसको आपको गद्य रूप में लिखना है, कि ये लंबे लंबे ऊंच के ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है। इसके अंदर आपको बताना है कि किस तरह से जो धरती है वह क्या करती है, अपनी उंगली पर जो बड़े बड़े ताड़ के जो वृक्ष होते हैं, उन ताड़ के वृक्षों को अपनी उंगली पर उठा लेती है, ऐसा प्रतीक होता है। क्योंकि जमीन के अंदर क्या उगे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे ना, और वो जब कितनी तेज हवाएं चले, कुछ भी चले, लेकिन जमीन जरा सी भी नहीं हिलती है। तो आप क्या लिखेंगे, कि जो जमीन है वह ऐसा लगता है इस जमीन ने अपनी उंगली पर इस बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों को क्या कर रखा है, उठा रखा है। दूसरा है, ये सारे रंग उसने कहीं नीचे छिपा रखे हैं मिट्टी में। उसके बाद में इसका आंसर लिखेंगे, कि कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस जमीन ने बहुत सारे जो रंग है वह इस मिट्टी के अंदर क्या कर रखे हो, छुपा कर रख रखे हो। तीसरा है, गजब है पेट भरता ही नहीं इसका। कि उसके बाद में कवि से वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बहुत ही ताजुब की बात है, बड़ी गजब की बात है कि इसका पेट भरता ही नहीं है। पढ़ा था ना पने की पानी, कितना ही पानी डालो, दूध डालो, वे सबको गटक जाती है। ओके, चौथा है, अगर अमरूद बीज में तो ये अमरूद देती है। ये यदि मैं इसमें अमरूद के बीज डालता हूँ तो वह हम मेरे को क्या देती है, अमरूद देती है। क्लियर? आगे चलते हैं, लेकिन निम्नलिखित पंक्तियों के सही पंक्तियों से इसके जोड़े मिलाने हैं। पहला है, ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़, क्या लिखेंगे, सेकंड वाला, उंगली पर उठाती है। सेकंड है, हवाएं खुद हिलाती है, क्या होगा, थर्ड वाला होगा इसका, जमीन हिलने नहीं देती। तीसरा है, मेरे बाग की मिट्टी में, पहला वाला होगा, कुछ तो है। चौथा है, सुना है ये नदी को भी क्या कर लेती है, छुपा लेती है, लास्ट वाला पांचवा। फिर है, इसे लोटे से दो या बाल्टी से, फोर्थ वाला। क्लियर बेटा? चलो आगे दे रखा है कुछ आपको जो इसके शब्दों के अंदर देने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं देना, एक आध वाक्य के अंदर ही आपको इसके आंसर देने हैं। पहला है, जमी कवि को गुलाबी फूल कब देती है, कि जब वह क्या करता है, जमी कवि को गुलाबी फूल कब देती है, जब वह क्या करता है, इसमें बताया था ना अपन ने, पढ़ा था ना, कि यदि मैं उसके अंदर गुलाब का बीज बोता हूँ तो वह मेरे को, अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल देती है। तो आपको क्या लिखना है, कि जब मैं उससे गुलाबी फूल मांगता हूँ, अर्थात गुलाब के जो कलम वगैरह जो होती है ना, उसको लगा के, यानी कि जो गुलाब की जो बीज होते हैं, या गुलाब की जो जो उसकी कलम होती है, उसको जब लगाया जाता है, तो वह हमें उसको क्या देती है, गुलाबी फूल देती है। आगे है, कभी जमीन को किन पात्रों में पानी पिलाता है, है ना, कभी जमीन को किन पात्रों से पानी पिलाता है, कौन से पात्रों से पिलाता है, बताया था अपन ने,
कि कवि जो है वह क्या करता है कि कभी तो क्या करता है, वो आपको लोटे से पानी पिलाता है, कभी बाल्टी से पिलाता है, कभी क्या करता है नल को पूरा खुला रखता है। तो आप क्या लिखेंगे, लोटे और बाल्टी से। आगे है, करेला व नींबू की क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, नींबू तो क्या होता है खट्टा होता है और करेला क्या होता है कड़वा होता है। ओके क्लियर, चलो आगे चलते हैं, हम चलते हैं कुछ वाक्यों में। इनके जो आंसर है ना बेटा, ये दो तीन वाक्यों में आपको उसके आंसर देने हैं। पहला है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि जमी को जादू आता है, क्यों लगता है, क्योंकि उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिसके भी बीज वो जमीन में डालता है उसी का वृक्ष क्या हो जाता है, उग जाता है और उसी के समान क्या होते हैं फल या फूल उगते हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वह हमें काई से मिलती है, इसी जमीन से मिलती है। तो कवि को लगता है कि जमीन को क्या आता है, जादू आता है। नेक्स्ट है, कविता में जमीन के किस बड़े कर्तव्य की बात कही गई है, कौन सा बड़ा कर्तव्य था ना कि जितना भी इसमें पानी डालो, लास्ट में था आपके इसमें कि कौन सा कर्तव्य दिखाती है वो लास्ट में कि कौन, इसमें बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे कर्तव्य के बारे में बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य जो बताया गया था वो क्या बताया गया था कि ऊंचे ऊंचे जो ताड़ के जो पेड़ है उन पेड़ों को क्या करती है, वह अपनी उंगली पर उठा लेती है। तो ये बड़ा ही ताजुब वाली बात है ना कि धरती है और धरती से इतने बड़े बड़े जो ताड़ के जो वृक्ष वह उगे हुए रहते हैं और वह उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, जमीन जरा सी भी नहीं हिलती है। तो ये कर्तव्य की बात कही गई है। लास्ट है, जमीन अपने अंदर क्या क्या समा लेती है, क्या क्या समा लेती है कि अपन ने पढ़ा था ना कि दूध डालो, शरबत डालो, कितना ही पानी डालो, वह सारी चीज़ें क्या करती है वह अपने पेट में छुपा लेती है। और तो और जो नदी है उस नदी को भी वह अपने अंदर छुपा लेती है। तो यकीनन सही बात है कि जमीन को कुछ ना कुछ जादू तो आता ही है। ओके बेटा क्लियर, आपको आई होप आपको इस लेसन का सारांश एंड क्वेश्चन आंसर भली प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर क्या करने हैं, याद करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से स्कूल में आके कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए करना। ओके बेटा आज के लिए इतना ही, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।